मॉम, हाँ क्या हुआ मॉम, कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम, मैंने और विवाह ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो, क्या कहते हैं धरती वाले, मैंडसम। मैंडसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा, दिखेगा फिर कि नहीं दिखेगा। मॉम आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर, वेरी गुड, थैंक यू। नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है, यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला, बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे अरे लेकिन पापा जी आप जाएंगे? माँ ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, सुन नहीं रहे? ओ नो, क्या हुआ? अब मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है, मैं नहीं आऊंगा आप लोगों से, जा। देवू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए, वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपने कमिटमेंट से यू टर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डबू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना, पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देवू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हो, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देवू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देवू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी मायसेल्फ राजन पाल, मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है।
और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बापा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ बिल्कुल सही। अरे सुनो डब्बू में, डब्बू और कितना दूर तक भागोगे डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना वैसे। ओ हेलो हेलो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टोन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीर तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ हाँ तो बताओ क्या इम्पोर्टेंट बात है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया मतलब? ऐसे कैसे देख लिया, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। अरे वो ही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछ। पूरी बात तो सुनो, माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है। ये देखो, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ है। देखना सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान, इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई ये लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। ओके है ना, इसमें सॉस तो नहीं डाला है? वो मैं आपको डायबिटीज से देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। मानस से के मानस से गर्मा गर्म चाय को ठंडा जूस की तरह बटपटा दे। हाय हाय, तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू? यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था, इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट नीचे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, एक मिनट के लिए बालवीर से मिल के लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। तुमने जीरो साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बापा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर जहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना?
यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है, ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने से थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। That is great, very great. But अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना, तो एक सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या great not great कर रहे हो तो? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुम उसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ बट एट अ टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ ओके ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं, मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट देके रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ साची बात छे। हो दादाजी आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली? हाँ, डायबिटीज सही जैसे ने ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। स्ट्रेन जंगल मुझे घूर क्यों रहे? थैंक यू। सांभड़ो सांभड़ो सांभड़ो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है वो। क्यों? अरे क्यों क्या, इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो और तो और, ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी ऐसे क्यों बोल रही हो, हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? एक मिनट ना। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, चलो अभी निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं वो क्या आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये क्या बोल रही हूँ,
आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाती हो ना भाई। ए? आओ जो, जय श्री कृष्णा, आओ जो, निकलो निकलो जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता। क्या देवानी बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की, बिल्कुल सही बात की करो ना बहन, चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया, नहीं मैं लाया था यही कहीं पे होगा, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, देखना वहां पे है क्या कहीं। आई ले जुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था, मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ, मैं मोदी बस मुकुट हो ही गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो, एकदम सेम टू सेम स्केच बना लिया नकाब पोश का, वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ गणपति जी, ओ सुबह से गणपति जी गणपति जी गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी, अब तुम भी प्रणाम करो। हा? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना। नहीं यू डफो, अब अरे 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 आराम से अनु, यू मिस, अरे मिठाई है मिठाई, अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे 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 अरे, ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए, भागो। ये कौन बमल्ला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके थैंक यू दीदी, यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। बालवीर कैसे बने? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बाप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली बावर्ची यूज करनी ही होगी।
कहीं एवंस पुरुष शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम सच्ची बात हो फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ। अरे मिस कॉल नहीं कॉल कीजिए दिवाली जी क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो पूरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर है। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। What to do? गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा केयरफुल डब्बू कहीं इन लोगों की तारीफ से तुमने इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बनके उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस वो भी तुमसे इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति होना हो कहीं आसपास ही है। मुझे छोटो यजमान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कोई मेरी मदद करो मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा। मुझे छोड़ो चाहो मेरी सारी दक्षिणा हाथ ले लो मुझे जाने दो। पंडित जी क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी। भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। मैं
और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है, समझ गए ना जजमान? गणपति बाप्पा सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। सुनो, देवकी आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो देवकी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे, ला दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देवू भैया। अरे विवान, अब अरे देवू भैया, हाँ, आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे तो आप इतने नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है, ओ हेलो बोलती रहती है जैसे फोन में नेटवर्क ही ना। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम चब्बू है वो, चब्बू चब्बू। हाँ दिमाग चबा जाती है ना इसलिए चब्बू, और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स रिलैक्स देवू भैया रिलैक्स, मैं आपके और अनन्या दीदी के बीच में नहीं बढ़ने वाला, पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे तब तो आपके हाथ में सब मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देवू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उसने फ्लूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, अब मैं क्या बताऊं। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने बुकर चूहे को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देखो भैया आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देवू भैया आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था, तो उन्हें कह देना कि विमान बस यही आसपास गया। ओके मैं आता हूँ। लेकिन लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विमान I know, विवान, कि तुम जा कहां रहे हो? शौर्य वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान, कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं, So, आपको नहीं लगता कि हमें देवू भैया की शक्तियों ने वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य दिस इज नॉट फेयर, देवू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों के भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देवू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज, टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है
लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देवू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देवू भैया की शक्तियों ने वापस लौटा दी तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है इसलिए ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देवू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस। शौर्य आप ग्रेट है, थैंक यू सो मच। लगता है समय के साथ तुम्हारी धार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। भारत नगर के सभी वासियों, आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते आंटी। एक मिनट बेटा। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। हाँ, मतलब हाँ, मैं जानता हूँ आपको। आप अनन्या की मम्मी है ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है? एक मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती, हर इंसान की असलियत इसकी आंखों में छुपी होती। अब एक मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो प्रॉब्लम है थोड़ा, इसने आंख चल। अरे क्या हुआ आंटी? चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा आंटी। आंटी आंटी वो चश्मा, चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सिर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन नॉट, आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट, क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ वही मेंशन नॉट। देवू, आरती शुरू होने वाली है, तुम्हें काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को। ठीक है करुणा जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान, कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। आमिर माँ, कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? I'm super duper fine, mom. बोलो नहीं सुनो, आरती शुरू होने वाली है तो चलो तुम लोग आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, अब जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए। अरे भगवान, कहाँ ले जा रहे हो? भैया आपके लिए ना एक सरप्राइज है। वहाँ पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। रश्मि भैया, गणपति बाबा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ, अब क्या लीजिए। हाँ तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, वी विल नॉट रन, वी विल फ्लाई। यस। अरे गणपति बाप्पा। ये तो मुझे पता है कि बालवीर इन्हीं बच्चों के बीच छुपा हुआ है।
गेहूं में गुण ढूंढने से अच्छा है कि मैं इन सभी बच्चों का अपहरण कर दूं। मैं बालवीर। बालवीर और मैं? आपको थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि आप बालवीर हो, लेकिन उससे पहले आपका स्नान होगा। स्नान? अरे इतना दूर तुम मुझे स्नान कराने आए हो? अरे गणपति जी की आरती से पहले मैं ऑलरेडी घर पे स्नान कर चुका हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं उस वाले स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वीर स्नान की बात कर रहा हूँ। वीर स्नान? हाँ, वीर स्नान के बाद आपको फिर से सारी शक्तियाँ वापस दी जाएगी। चलिए। अरे ये, अरे विवान, विवान, ये देखो, ये कौन है सामने? ये तो कोई सफेद शेर है। ये मेरा वीरस्थान नहीं, ये तो मेरा खान पान कर देंगे। विवान, दूर रहो इसे। शेर सर, मुझे खाके तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। आखिर हमने विवान का दिल बिना दुखाए वो रास्ता निकाल ही लिया, जिससे मुझे उसकी नजरों में बालवीर बनाया जा सके। ये मूर्ति से शक्ति कैसी निकली? या फिर कहीं बालवीर को मेरे यहाँ पर आने का पता तो नहीं चल गया? विवान, तुमने तो कहा था कि परिया, तो फिर ये कौन है? पिमनासा के साथ अंतिम युद्ध में ज्वाला परी, वायु परी और मस्ती परी का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन परियों की ऊर्जा अभी भी हमारे साथ है। ओ। और ध्वनि परी और पानी परी भी हमारे साथ हैं। विवान, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब सच में है कि कोई सपना है। भैया, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सपने से जागने वाले हो। अब हमें वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहां देवू भैया खड़े हैं, कल मैं वहां खड़ा था।
फूल तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के, अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। स्वागत है बालवीर। धन्यवाद शौर्य। वेलकम बैक पार्टनर। अब अगर हमारे रास्ते में कोई भी बुराई आ गई तो उस बुराई की खैर नहीं। हाँ, क्योंकि अब अच्छाई को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन और बुराई से होगी डबल टक्कर। एविल फोर्सेस दिल से बुलाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।